अल्लाह के जिक्र से हर कारोबार में बरकत। मुल्तान शहर में कोई कराटे का खिलाड़ी था, उसे ब्लैक बेल्ट हासिल था। मुझसे कहने लगा, हज़रत मैंने बहुत मेहनत की है। हमने कहा, वो कैसे? कहने लगा, जी मैं आपको दिखाता हूँ। इतना कहकर वो ज़मीन पर लेट गया। फिर उसने एक 100 किलो के आदमी को अपने ऊपर कूदने को कहा। फिर उसके पेट पर एक 100 किलो के बंदे ने 10 बार छलांगे लगाई और वो आदमी आराम से लेटा रहा और उसके ऊपर वो भारी भरकम बंदा उछल उछल कर छलांग लगा रहा था। फिर वो मुझसे कहने लगा कि हज़रत मैं ये भी कर सकता हूँ और ऐसा भी कर सकता हूँ और वैसा भी कर सकता हूँ। कुछ अरसे के बाद दोबारा मेरी उससे मुलाकात हुई। मैंने पूछा, भाई क्या हाल है आपके वो कहने लगा, हज़रत मेरा क्लब पूरे शहर में कराटे में सबसे बड़ा है और मैंने एक कॉलेज की लड़कियों को कराटे सिखाने के लिए एक ब्रांच खोली हुई थी। क्लब खुलने के बाद मैं एक बार वहाँ गया। मैंने वहाँ की हालत देखी तो मुझे सब अजीब लगा, तो मैंने उस ब्रांच को बिल्कुल बंद कर दिया। ये पहली बात हुई। दूसरी बात ये कि मैंने अपने बच्चों को समझाया कि भाई हम एक दूसरे पर अटैक करते हैं और ज़बान से एक बेमानी सा लफ्ज़ निकालते हैं, तो इसके बजाय हम अल्लाह का लफ्ज़ क्यों ना निकालें। उन्होंने कहा, ठीक है। मैंने कहा कि तुम्हें अब फाइट करनी हो या अटैक करना हो, सब अल्लाह के लफ्ज़ से अटैक करना। कहने लगा, जब हमने अल्लाह अल्लाह से अटैक करना शुरू किया तो बाहर से गुजरने वाले लोग समझने लगे कि अंदर कोई महफिल ज़िक्र हो रही है। लोग दरवाजे पर जमा होकर कहने लगे, हम भी महफिल ज़िक्र में आना चाहते हैं। जब वो अंदर आए तो उनको पता चला कि जनाब यहाँ तो कराटे सिखाए जाते हैं। बीवी तो बहुत परेशान थी कि लड़कियों की क्लास बंद हो गई, अब आमदनी कम हो जाएंगी। लेकिन जब नेक लोगों ने देखा कि ये नेक आदमी है, हमारे बच्चे भी इसे सीख सकते हैं, तो उन्होंने अपने बच्चे भी भेजने शुरू कर दिए। इस तरह लड़कियों की क्लास की तलाफी हो गई तो हमारे लड़कों की तादाद पहले से 3 गुनी हो गई। अल्लाह ताला ने रिस्क में भी इजाफा कर दिया। अब देखिए कि दिल में मोहब्बत इलाही आई तो फिर एक दूसरे के साथ खेल कूद में भी अल्लाह याद आएगा। ये मोहब्बत चीज़ ही ऐसी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकअल्लाहु खैर।